अपडेट आ रहा है टाटा मोटर्स की ओर से। टाटा मोटर्स का जो Q1 में कह रहे हैं JLR में नेगेटिव एबिट मार्जिन देखने को मिल सकता है, एक नेगेटिव एबिट मार्जिन का अनुमान लगाया जा रहा है। ये दरअसल टाटा मोटर्स की ओर से आई है कमेंट्री और ये एक अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं है कि मार्जिन्स पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट वो ये भी कह रहे थे कि JLR की जो Q1 में बिक्री है ना उसमें थोड़ा सा धीमापन देखने को मिला है ये सेमीकंडक्टर क्राइसिस के चलते, लेकिन ये जो नेगेटिव एबिट मार्जिन का अनुमान कंपनी दे रही है वो इनफैक्ट भारी पड़ सकता है। ऊपरी लेवल से देखिए स्टॉक फिसलता हुआ, अक्टूबर मार्च में चिप शॉर्टेज खत्म होने के आसार हैं तो ये आउटलुक भी उनका मजबूत है, लेकिन समय लगेगा। अक्टूबर की बात कर रहे हैं, अब हम देखिए जुलाई के महीने में ही हैं, तो कुछ समय बाकी है वो चिप शॉर्टेज, और चिप शॉर्टेज के चलते ही दरअसल वो प्रेशर बनता हुआ तेज अनवाइंडिंग हो रही है टाटा मोटर्स में। इस समय वीरू करीब 2.5% का 3% की गिरावट आ गई है देखते ही देखते इस खबर पर। जी हाँ, एक काम करते हैं हर्षदा, पैनल से एक बार स्टॉप लॉसेस ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आज का जो टाटा मोटर्स का वॉल्यूम्स डे है ये है 10 जून के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे। पैनल में हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मानस जायसवाल भी। मानस, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा? अभी अभी इस स्टॉक ने अगर आप देखें इस कमेंट्री के साथ अपने 336 के लेवल को तोड़ दिया है, आपकी राय क्या होगी अ रीजनेबल स्टॉप लॉस फॉर टाटा मोटर्स? राजेश पालविया जी, आपकी राय क्या होगी, 335 एटलीस्ट, या फिर किसी के पास लॉन्ग ट्रेड है तो क्या 330 की पुट लेनी चाहिए? देखिए वीरेन जी, गुड आफ्टरनून। देखिए रिएक्शन तो एकदम शार्प आया है स्टॉक में, और हालांकि स्टॉक में अभी भी देखें तो 330 का जोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 303 को वायलेट करता है तो फिर यहाँ से सेलिंग एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, बट जिस तरीके से अभी ये एक कैंडल बनी है अभी पिछले 15 मिनट की, वो ये दिखाती है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड हो सकता है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखना होगा, जो भी शॉर्ट करेंगे अभी यहाँ से करंट लेवल से वो 345 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें, वो स्टॉप लॉस यहाँ से काफ़ी अहमियत रखेगा। स्टॉक में लोअर साइड पे इमीडिएट जो सपोर्ट एरिया है वो करीब है 330 का, 330 टूट जाता है तो फिर मुझे लगता है ये स्टॉक में 326-323 तक की भी डाउनसाइड यहाँ से ओपन होते हुए दिखेगी, तो थोड़ा सा वेट करें। स्टॉक में इमीडिएट एक सेलिंग प्रेशर जरूर आया है, 345 का स्टॉप लॉस ध्यान रखें शॉर्ट करने के लिए 330 के टारगेट के लिए। ओके, मयूरेश जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, अगर आप देखें इस कमेंट्री पर, और जो ये चिप शॉर्टेज जो है ये दुविधा जब तक दूर हो जाएगी, दरअसल वो टाइम ड्यूरेशन जो अभी टाटा मोटर्स ने दी है वो काफ़ी दूर की दी है, Q1 में JLR के नेगेटिव एबिटा मार्जिन का अनुमान। मयूरेश, आप कैसे रीड करते हैं इस वक्त टाटा मोटर्स पे? अभी अगर आप देखें CLSE की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जहाँ पे करीब 450 से लेकर करीब 500 तक के टारगेट दिए गए थे, लेकिन अपने JLR बिजनेस को लेकर जो इनके कमेंट्स हैं उन पर आपका टेक? मीनवाइल मैं ट्रेडर्स को यही कहूंगा कि प्लीज मॉनिटर एंड वॉच 330 वेरी केयरफुली, 330-333, क्योंकि ये जुलाई फ्यूचर्स पे आप फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत स्ट्रांग एक पिवट पॉइंट है 333। आपकी राय मयूरेश, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को इस वक्त? आफ्टरनून वीरू जी, नहीं जो ये न्यूज है आई थिंक सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं, अगर आप ग्लोबल ऑटोमेकर्स की कमेंट्री सुने आई थिंक सारे ग्लोबल ऑटोमेकर्स को ये तकलीफ है और दिक्कत है इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, और ये शॉर्टेज के वजह से आई थिंक काफी स्टॉपेजेस लेने पड़े प्रोडक्शन में, कहीं कहीं प्लांट स्टॉपेजेस थे और कहीं की आई थिंक कोविड रिलेटेड इश्यूज के वजह से स्टॉपेजेस थे। इरिस्पेक्टिव आई थिंक दिस इज वन न्यूज दैट द मार्केट हैज टू जेस्टेट और जेस्टेट कर चुका होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट विल पॉजिटिवली प्ले आउट इन टर्म, इनफैक्ट इट विल प्ले आउट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जो टाटा मोटर्स कह रही है सारे ग्लोबल मेजर्स यही कहेंगे। तो वीरू जी, मेरे को लगता है आई थिंक दिस इज अ नोन फैक्ट इन टू द मार्केट्स, थोड़ा सेंटिमेंटल इफेक्ट जरूर आ सकता है स्टॉक पे, वॉल्यूम्स में इंपैक्ट आएगा, इसलिए आई थिंक कैश फ्लोज और लेवरेज में इंपैक्ट आ सकता है, एंड देयरफॉर क्वार्टर वन numbers that they'll report probably that can spill over in quarter two as well, but mujhe lagta hai I think as these issues and supply chain constraints are taken care of agle kuch hafton mein aur jaise things normalize hoti hai jo pent up demand hai wo I think regularize karegi volumes ko second half mein, to ek sentimental hit zarur aa sakti hai stock pe because of the news, but I think it's a play for everybody, sirf Tata Motors ke liye nahi hai, sare companies ke liye bhi prabhavi hota hai. Ja. पहले हर्षदा, फ्रेंकली स्पीकिंग जब नेगेटिव एबिट की बात हुई थी ना, जब आपने ये फ्लैश पढ़ा तो एक बार के लिए मुझे भी सेटबैक लगा, लेकिन सेमीकंडक्टर वाली बात सुन के अगर आप देखें मुझे भी लगा, आई मीन दिस ड्रॉबैक परसिस्ट विद द एंटायर इंडस्ट्री। आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं बाजार को, इन्वेस्टर को प्रिपेयर कर रहे हैं? आई मीन ये तो बातें जगजाहिर थी।
अब वीरू मैं यही कहने वाली थी कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है ये सब जानते हैं, इनफैक्ट घर का हर बच्चा जानता है अगर आप लोग घर पे बैठ के लगातार ट्रेड करते हैं कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब कमेंट्री ये क्योंकि आई है कि होपफुली अक्टूबर मार्च में ये रिजोल्व होती हुई दिखाई देगी, तो शायद ये थोड़ा सा एक ऑप्टिमिज्म लाएगा इस ट्रेड में। लेकिन यहाँ पर वीरू एक और जो डिटेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 100 करोड़ पाउंड का कैश आउटफ्लो भी देखने को मिल सकता है Q1 में। अब ये कैश आउटफ्लो क्यों है वीरू इस स्टॉक में ना, एक्चुअली एक तरफ ये दोनों तरफ की चीजें हैं, एक आउटलुक सेल्स की पिक्चर क्या रहेगी, ईवी में जिस तरह से कंपनी अग्रसर होती दिखाई दे रही है, लेकिन याद रखिएगा वीरू हम इंतजार कर रहे हैं कि टाटा मोटर्स की कमान किसके हाथ जाने वाली है, जो करंट या फिर जो पिछले एमडी सीईओ थे गुंटर बुशेक, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी को रन की थी, पैसेंजर व्हीकल्स में जो भी मार्केट शेयर हासिल किया कंपनी ने वो उनके बदौलत था, ईवी में पहल लाना टाइमली थी। अब अगला जो बेटन किसके हाथ जाएगा वो जानना इंपॉर्टेंट है। यतिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, एक तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि एबिट मार्जिन में दबाव देखने को मिलेगा, नेगेटिव एबिट आएगा जेएलआर के लिए, और जेएलआर एक साइजेबल बिजनेस का शेयर लाता है टाटा मोटर्स के लिए। ये कैश आउटफ्लो के डिटेल्स क्या है और क्या कंपनी आउटलुक दे रही है Q1 के लिए, प्लीज बताइए। तो देखिए हर्षदा, जहां तक की फर्स्ट क्वार्टर का सवाल है जेएलआर के लिए, होलसेल नंबर्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, लेकिन अगर आप शेयर होल्डर हैं तो वॉल्यूम्स आ रहे हैं आपको नुकसान पे। अगर आप कंपनी की देखें तो इन्होंने लगभग 30,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन लॉस किया है Q1 में, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज पूरे ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल रही है उसके कारण सबसे पहले प्रोडक्शन लॉस हुआ है। डिमांड जो है दूसरी तिमाही में भी कंपनी का कहना यह है Q2 में वीक रहेगी। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कंपनी ने दिए एबिट मार्जिन पे। एबिट मार्जिन पूरा स्ट्रीट में जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा था 4-6% पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में है, और पहले दो क्वार्टर्स अगर आप देखें चैलेंजिंग हो सकते हैं मैनेजमेंट के हिसाब से। Q1 में उन्होंने कहा है कि एबिट मार्जिन नेगेटिव आएंगे, यानी आप हर यूनिट जो बेचते हैं वहां शायद आपको नेगेटिव एबिट मार्जिन देखने को मिल सकता है Q1 में मैनेजमेंट के हिसाब से, और स्ट्रीट 4-6% पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में है। तो अज्यूमिंग आपके पहले दो क्वार्टर्स वॉश आउट हैं कोविड के चलते, सप्लाई चेन के चलते, और मार्जिन्स जो आपने गाइड किए थे उससे शायद कम हो जाए, इसके कारण ईपीएस कट्स आपको आते हुए देखेंगे। डिमांड नो डाउट अच्छी है, लेकिन एक कॉस्ट पे आ रहा है। हमने ये देखा है एल्यूमिनियम स्टील प्राइसेस काफी प्रेशर डाल रहे हैं ऑटो कंपनीज के मार्जिन पे, और टाटा मोटर्स ने और एक चीज बताई है कि उनका फ्री कैश फ्लो पहली जो क्वार्टर है उसमें नेगेटिव 1 बिलियन पाउंड रहेगा। तो लगभग 8-8.5 हजार करोड़ के आसपास आपको फ्री कैश फ्लो नेगेटिव आता हुआ दिखेगा। तो दो की टेकअवेज थे, वॉल्यूम होने अच्छे होने के बावजूद पहले क्वार्टर के एबिट मार्जिन नेगेटिव, और दूसरा पॉइंट के फ्री कैश फ्लो जो आप बता रहे थे कि 2-3 साल में पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में हो जाएंगे, पहले ही क्वार्टर में लगभग 8-8.5 हजार करोड़ का कैश बर्न कंपनी ने अपने रिलीज में बताया है। बड़ा कैश बर्न है, अब होपफुली कैश बर्न का कुछ फायदा मिले वरना कोई बात नहीं होगी। स्टॉक इसीलिए शायद तेजी से फिसल रहा है। यतिन इनफैक्ट हमारे साथ बने रहेंगे, बजाज फाइनेंस के जो नंबर्स आए हैं Q1 का अपडेट आया उस पर भी डिटेल लेंगे। मैं इस समय असित बरन पति को जोड़ना चाहती हूँ। असित, गुड आफ्टरनून। ऑप्शंस का ट्रेड क्या कुछ इशारा कर रहा है आज टाटा मोटर्स के लिए, जिस तरह की पोजीशंस लार्जली अनवाइंड हुई हैं इस खबर के आने के बाद? थोड़ा तो ये कॉल अनवाइंडिंग दिखने को मिल रहा है, बट आई विल नॉट बी टेकिंग ए ट्रेड बेस्ड अपॉन द न्यूज। इट कैन बी वोलेटाइल एंड कैन रिवर्स, सो टाटा मोटर्स में आई विल नॉट बी टेकिंग ए ट्रेड। आई थिंक देयर इज मच बेटर ट्रेड अवेलेबल, सो आई विल स्किप टाटा मोटर्स। उसमें खबर के बल पर इस समय ट्रेड ना ले, वो नीजक रिएक्शन आ चुका है। मयूरेश ने कहा डिप पर खरीदारी की जा सकती है, पालविया साहब ने लेकिन दिया आपको एक टारगेट 330 का, 335 के लेवल्स आ चुके हैं, 3% टूट चुका है, तो देखते हैं यहां से अगर और भारी गिरावट आती है तो इस ट्रेड को रिविजिट करेंगे। लेकिन असित, आपने कहा कि इस बाजार में जहां पर तेजी बन रही है और भी बेहतर ट्रेड होंगे, तो बताइए इस समय आपका टॉप कॉल क्या है? 35,600 का बैंक निफ्टी का कॉल देख रहा हूँ इसी हफ्ते का एक्सपायरी का, व्हिच इज अराउंड आई थिंक 270 और 290 काइंड ऑफ थिंग आई गेस।
मैं इसको बाय करना चाहूंगा. प्राइसेस हैव चेंज सिंस द टाइम दैट आई हैव गिवन विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 200 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 400. मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में जिस टाइप का अट्रैक्शन है 36,000 हमें आराम से दिखेगा कल, मे बी टुडे ऑल्सो इफ वी आर सीइंग द अट्रैक्शन. बट मैं बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाना चाहूंगा विद दिस स्ट्राइक प्राइस का कॉल फॉर दिस वीक. इस बीच आप जरा प्लीज टाटा मोटर्स फ्यूचर्स लेके आइए. टाटा मोटर्स फ्यूचर्स में अगर आप इसको पिवट पॉइंट्स को डिक्लेयर करें और ढूंढें हमें चार्ट्स पे, तो 330 एक पिवट पॉइंट था, 333 वो वॉलेट हो गया है. तो पहले तो अगर आप देखें खबर के बाद अगर आप देखें रनिंग लॉन्ग ट्रेड्स का स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुआ है, और अगर आप देखें अब थोड़ा सा शॉर्ट्स जो हैं वो इस स्टॉक पे कैपिटलाइज करते हुए 333 के अगर आप देखें एक पिवट लेवल के इंट्राडे चार्ट्स पे वॉलेट होने के बाद. आई थिंक अगर आप देखें सिर्फ एक चीज़ नहीं है, इसके बाद और भी अगर आप देखें ऑटो स्टॉक्स का मूड बिगड़ गया है. लुक एट अशोक लेलैंड. अशोक लेलैंड आपकी स्क्रीन पर आप देखें, जरा आप एक बार जरा चार्ट लेके आएंगे अशोक लेलैंड का, ये भी 124